दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को यदि अपने जीवन में बहुत ही अधिक उन्नति करनी है और काफी अधिक ऊंचाई पर जाना है तो फिर उसके लिए ये बहुत ही अधिक जरूरी है कि वो एक सही स्त्री से शादी करे और घर बसाए। यदि गलती से भी किसी गलत इंसान के साथ में विवाह हो जाए तो फिर उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। कुछ आदतों वाली स्त्रियों से शादी करने वाला पति जीवन भर ही दुखी रहता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि औरत ही जीवन को स्वर्ग और नर्क दोनों बना सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, खर्च तो जीवन को चलाने के लिए करना ही पड़ता है, लेकिन वो महिला जो अव्ययी होती है, यानी जिसके खर्चे का कोई भी पार नहीं होता है और उसके कारण पति को कर्ज भी लेना पड़ जाए, घर का आर्थिक सामंजस्य बिगड़ जाए, तो वो महिला हमेशा घर के लिए बड़ी ही बुरी साबित होती है। ऐसे परिवार का अंत अच्छा नहीं होता है। एक सफल विवाह हमेशा मित व्ययी महिला के साथ ही हो सकता है। दोस्तों, वो महिला जिसमें सहनशीलता नहीं होती है उसके कारण भी पति का नुकसान हो जाता है। कई बार जीवन में कुछ ऐसे समय आते हैं जब सामाजिक रूप से ऊंच नीच देखनी पड़ती है, आर्थिक नुकसान झेलने पड़ते हैं और चीजों में समझौता करना पड़ता है। ऐसे में यदि कोई भी स्त्री सहन करने वाली नहीं होती है तो उस समय परिवार को बिखरते देर नहीं लगती। दोस्तों, वो स्त्री जो स्वयं अच्छी है और उसका परिवार भी अच्छा है, लेकिन यदि वो दुष्ट पुरुषों या फिर दुष्ट स्त्रियों के साथ में विचरण करती है तो आज नहीं तो कल उसके अंदर वो गुण आ ही जाते हैं और वो आपके परिवार को सीधे तौर पर प्रभावित करने का कार्य करते हैं। दोस्तों, वो महिला जो अपने कार्यों पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ अपनी तकलीफ और दुख का रोना रोती रहती है, वो ना तो खुद कभी सफल हो सकती है और जो उसके साथ में जीवन जीता है या फिर उससे रिश्ता जोड़ता है उसकी उन्नति का भी नुकसान होता है। इसके कारण पूरे घर में नुकसान फैल जाता है। दोस्तों, ईश्वर में विश्वास ही मनुष्य को हमेशा बुरे कर्म करने से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे कभी न कभी तो मिलेगा ही। लेकिन यदि किसी का ईश्वर से विश्वास ही हट जाए तो वो किसी का भी बुरा करने से पहले उतना नहीं सोचता और फिर उसका परंपराओं में से भी भरोसा हटता है, जो एक परिवार को नष्ट कर देता है। इसीलिए ऐसी स्त्री जो भगवान में विश्वास न करती हो उससे 10 हाथ दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, यदि कोई महिला सुबह अपने पति और बच्चों के लिए बिना नहाए खाना बनाती है तो ऐसा करने से घर के दोष बढ़ते हैं, जिस वजह से पति और बच्चों को बुरे समय का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा करने से बीमारियां होने के आसार भी बढ़ जाते हैं। ऐसी स्त्री अपने पति और बच्चे दोनों के लिए मुसीबत बन सकती है। दोस्तों, जिन घरों में महिलाएं झाड़ू को पेड़ लगाती है या फिर झाड़ू को पेड़ से ठोकर मारती है, ऐसे घर में कभी भी धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता है। ऐसे घरों में हर समय दरिद्रता बनी रहती है। यह बात महिलाओं पर ही नहीं सभी पर लागू होती है। दोस्तों, जिन घरों में महिलाओं की यह आदत होती है कि वह तवा और कढ़ाई जैसे झूठे बर्तन गैस पर ही रखकर सोने चली जाती है और तो झूठे बर्तन भी रख देती है, तो ऐसे घरों में कभी भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। उस घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है और दुख रहता है। इसीलिए महिलाओं को ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जिन घरों में महिलाएं दरवाजे को पेड़ से ठोकर मारकर खोलती है, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी नाराज होती है। यदि आपके घर में भी इस प्रकार का कार्य होता है तो आप इसको तुरंत रोक दे। दोस्तों, जिन घरों में महिलाएं घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उनकी इस आदत से घर की बर्बादी होती है। हिंदू शास्त्रों में इस आदत को शुभ नहीं माना गया है, इसीलिए ये कार्य तो भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कार्य जिनको करने से पति और घर दोनों बर्बाद हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलर्स यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।